हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चल रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। फूड बेसिक्स जा रही हूँ। ये मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले वीडियो में दिखाया था, कोरिएंडर बहुत धीरे धीरे उग रहा है। अभी ये 2-4 हफ्ते से सिर्फ इतना सा उगा है, देखते हैं कितनी जल्दी उगता है, कितना टाइम लगता है। चलिए फिर चलते हैं हम। चलिए फिर वेट करते हैं बस का, कब आएगी बस। कितनी ग्रीनरी, ऑक्सीजन, नाइस। ये स्ट्रीट हमेशा ही खाली दिखता है। तो वो आ रही है फाइनली बस बड़ी देर के बाद। चलिए फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं दूसरी बस का, पता नहीं कब तक आएगी। 12 नंबर बस जाएगी फेयरव्यू नंबर, बस यहीं पे सीधे उतरती है। ये रहा फूड बेसिक्स समर सीजन। यहाँ पे ये बिस्किट जो है मैरी गोल्ड, वो 2.99 में है। सच डील है। टोमेटो यहाँ पे 88 सेंट्स पर LB है। यहाँ पे इतना सारा सामान लेकर मैं वेट कर रही हूँ बस का। ये देखो इतना सारा उठा उठा के चलना पड़ता है। क्या लेकर आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये मैं मैरी गोल्ड का एक बड़ा पैकेट 2.99 में मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और ये वाला जो पोटैटो का है, पोटैटो का पैकेट ये मिल रहा था 3.98 का, तो ये भी सस्ता पड़ा तो ये ले लिया है मैंने। और ये जो टमाटो मैंने आपको दिखाया है सिर्फ 88 सेंट्स पर LB था। तो टमाटो और ये है पार्लियामेंट राइस, ये है पार्लियामेंट राइस जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और किला किला सा बिरयानी पुलाव कुछ भी बना सकते हैं। और ये है $10 का। और ये जो आटा है ये मुझे पड़ा है $15 का, ये वाला आटा पड़ा है। और बाकी सारी जगह पर से मैंने प्राइस चेक की तो ये यहाँ पे सस्ता था। और ये मैंने पॉपकॉर्न लिया है जो कि कभी कभार बना के खाने के लिए। और ये एक चिप्स, ये 1.25 में मिल रहा था तो ये भी ले लिया मैंने। और ये सोया चंक्स जो है वो 1.49 में मिल रहा था तो ये भी ले लिया। और ये टाटा नमक यहाँ पे भी मिलता है 1.79 में, ये टाटा नमक। और ये है पापड़ी, ये चाय वाय के साथ अगर चाहिए तो अच्छी खासी क्वान्टिटी में था 2.79 में, तो ये भी ले लिया मैंने। और ये है गार्लिक जो कि मुझे पड़ा है 1.88 में, तो एक पैक गार्लिक ले लिया है। और थोड़ी सी भिंडी ले ली है मैंने। और लिया है मैंने ग्रीन चिली थोड़ी वहाँ पे महंगी थी इसलिए 2-4 दिन का लिया है, बाकी का बाद में देखते हैं। तो ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। कुछ आपके साथ ये पूरा बिल भी शेयर कर दूँ। ये टोटल 49.84 का पूरा सामान है, जैसे कि सारा आइटम सब कुछ सही रेट में पड़ा है, सिर्फ वो आटा और राइस था इसीलिए इतना महंगा लग रहा है। तो फिर चलो फिर ट्राई करते हैं ये पापड़ी। मैंने थोड़ा सा फाड़ के रखा है, टेस्ट करके देखते हैं। वैसे भी ये इंडियन सूरती पापड़ी है, एकदम बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट है इसका। ये मैंने जैसा सोचता था वैसा नहीं निकला, मैं फिर भी दिखा देती हूँ आपको। ये थोड़ा सा जो है यहाँ से, ये थोड़ा सा ये इसकी चॉकलेट बहुत कड़वी कड़वी सी है लेकिन फिर भी सही है।
ये भी आपको खोलते दिखाती हूँ। ये कुकीज मैरी गोल्ड जैसा है कि नहीं है। वाओ अच्छी डील मिली है। अरे बाप रे इतना बड़ा पैकेट, इसमें चार पैकेट हैं बड़े बड़े। ये मैरी गोल्ड, इसको अभी चाय के साथ खाएंगे। ये यहाँ पे फूल मुरझा गया है। आटा रखने के लिए ऐसा डब्बा खरीद के लाए थे डॉलमार्ट से, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो ये सिर्फ $5 का था और अच्छा डब्बा है, इसमें अच्छा खासा पूरा एक पैकेट अच्छे से आ जाता है। ये है इसका ढक्कन, और अच्छे से इसको रख के इसको करते हैं पैक। क्योंकि आटा रेडी हो गया, मैं सोच रही हूँ राइस रखने के लिए भी ऐसा ही ले आऊँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहता है। फाइनली सब सेटल कर दिया मैंने, यहाँ पे आटा रख दिया है, यहाँ पे इस बास्केट में रख दिया मैंने आलू। और चलिए फिर अब चाय बनाते हैं, सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। तक चाय बन रही है, हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कोरिएंडर को ताकि जल्दी जल्दी से उठ जाए। करते हैं ब्रेकफास्ट, इवनिंग ब्रेकफास्ट। जब तक दो बिस्किट मिला के ना खाओ मजा ही नहीं आता। मैं बना रही हूँ रात का डिनर, तो ये है मैं आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ। इसको बस चॉप कर लिया है, और ये है जीरा का तड़का लगा दिया है। अब इसमें हम आलू टमाटर ऐड कर देंगे। बस अभी अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा अच्छे से लाल हो जाए। ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा और उसको फटाफट से सब्जी बनाऊंगी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये जिंजर गार्लिक मैंने कूट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से इसके साथ ही थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, और इसके बाद टमाटर डाल के मसाला डाल के पानी लगा के रख देंगे, और बहुत ही इजीली फटाफट रेडी हो जाता है। कनाडा में यही प्रॉब्लम है, छोटा कुछ मिलता ही नहीं है। अब आधा टमाटर का अंदर रखना पड़ेगा फ्रीज में, क्योंकि इसमें बस इतनी ही ज़रूरत है। इसको लगाते हैं सीटी, और चलिए फिर इसको रख देते हैं फ्रीज में। फ्रीज में भी बिल्कुल जगह नहीं है, इधर कहीं घुसा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया है। तो ये था आज का ब्लॉग, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको पसंद आया तो। चलिए बाय बाय।